कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश भर में डॉक्टर, सफाईकर्मी तथा पुलिसकर्मियों ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर रात दिन एक किए हुए हैं। कोरोना से बचाव हेतु सैनिटेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके चलते सफाईकर्मी निरंतर स्वयं के संक्रमण के खतरे से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे महान सेवकों का आभार व्यक्त करने के लिए रामकृष्ण शीला देवी वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में बुलंदशहर के बालाजी नगर चांदपुर रोड पर सफाईकर्मी सुजीत सिंह तथा गौरव कुमार को सम्मानित किया गया। आज आपकी संस्था के द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, क्या आप बता सकते हैं किस प्रयोजन से किया गया थे? जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जैसी विश्व महामारी ने जब समूचे विश्व को घरों में नज़रबंद कर रखा है, वहीं डॉक्टर, सफाईकर्मी और पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। और इसी उद्देश्य से हमारी संस्था ने हमारे समाज के सफाईकर्मियों को सम्मानित किया है। और साथ ही मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, जो भी सरकार ने कोरोना के संबंध में निर्देश दिए हैं वो उनका पालन करें और घरों में सुरक्षित रहें। जैसा कि अभी हमारे सचिव महोदय ने बताया, हमारी संस्था रामकृष्ण शीला देवी वेलफेयर ट्रस्ट सदैव ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहती है जो उसके हकदार हैं। ऐसी विकट स्थिति जब वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में सफाईकर्मी भाई हमारे अपने जीवन का प्रवाह किए बिना हमारे लिए दिन रात लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए धरती के भगवान हैं, ये स्वच्छता के भगवान हैं। अतः इनको सम्मानित करते हुए हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। संस्था के सचिव प्रियंका रोहिला तथा मीडिया प्रभारी यशोदा सिंह द्वारा पुष्प वर्षा कर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रोहिला ने उनको अभिनंदन पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय सफाई कर्मचारी एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों को अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस को अपनाकर कोरोना को हराने में मदद करने की अपील की। सुनील कुमार सक्सेना ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था के लिए सफाई नायक तथा नगर पालिका यू बुलंदशहर निहाल सिंह को भी बधाई दी। खबर तहकीकात के लिए आकाश सक्सेना की रिपोर्ट।